नमस्कार दोस्तों, मैं अमन एक बार फिर से आप सभी लोगों का ई लर्निंग विद दुर्गेश पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज से एक नई टॉपिक का शुभारंभ होगा जिसका नाम है भारतीय राज्यों का पुनर्गठन, रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ द इंडियन स्टेट्स। तो दोस्तों, आइए इस टॉपिक की हम लोग शुरुआत करते हैं। इसमें हम लोग देखेंगे कि भारत के जो राज्य हैं वो किस प्रकार से कब अस्तित्व में आए और उनके संबंध में कौन कौन सी समितियां बनी, उन समितियों के बारे में भी हम लोग देखेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं। दोस्तों, आज़ादी 15 अगस्त 1947 को भारत को मिली थी। जैसा कि आप लोग जानते हैं, आज़ादी से पहले अंग्रेज़ों ने भारतीय क्षेत्रों को तीन भागों में विभाजित किया था। कौन कौन से क्षेत्र? पहला था ब्रिटिश प्रांत, लिखते चलिए आप सभी लोग, ब्रिटिश प्रांत। दूसरा था देसी रियासतें, जो लोग संविधान सभा पढ़े हैं इन सब चीज़ों के बारे में जानते हैं, देसी रियासतें। और तीसरा चीफ कमिश्नरी, चीफ कमिश्नरी जिसे मुख्य आयुक्त भी कहते हैं। तो ये आज़ादी से पहले के प्रांत थे। अंग्रेजों ने इसे तीन प्रकार से डिवाइड किया था, एक ब्रिटिश प्रांत था, एक देसी रियासतें थी और एक चीफ कमिश्नरी। मतलब ये तीन तरह के तीन भाग में डिवाइड किया था अंग्रेजों ने। तो जो ब्रिटिश प्रांत थे दोस्तों, वहाँ पे अंग्रेजों का डायरेक्ट शासन हुआ करता था, अंग्रेज इस पर प्रत्यक्ष रूप से शासन करते थे। लेकिन जो देसी रियासतें होती थी उन पर जो शासन करते थे वो विभिन्न राजा रजवाड़े जो होते थे वही इन पर शासन करते थे। हालांकि अप्रत्यक्ष रूप से अंग्रेजों का इन पर अधिकार था लेकिन डायरेक्ट नहीं था ब्रिटिश प्रांत की तरह। तो तीसरा था दोस्तों चीफ कमिश्नरी। चीफ कमिश्नरी वह क्षेत्र है, जैसे वर्तमान समय में हमारे यहाँ केंद्र शासित प्रदेश हैं, उस समय इस प्रकार से चीफ कमिश्नरी हुआ करती थी। और चार चीफ कमिश्नरी हुआ करती थी जिसे ए बी सी डी कहते थे। ए से आपका अजमेर मेरवाड़ा था, बी से बलूचिस्तान था, सी से कुर्ग था और डी से दिल्ली था। तो ये चार चीफ कमिश्नरी हुआ करती थी। दोस्तों, जब संविधान सभा का गठन हुआ, आइए आगे चलते हैं, जब संविधान सभा का गठन हुआ तब संविधान निर्माण का कार्य प्रारंभ हुआ। तत्पश्चात क्या हुआ कि संविधान सभा के समक्ष एक समस्या आई कि भारतीय राज्यों का गठन जो है किस आधार पर किया जाए। संविधान का निर्माण तो चल रहा था संविधान सभा में, उसी समय संविधान सभा के समक्ष ये समस्या आई कि भारतीय राज्यों का जो निर्माण किया जाएगा उसका आधार क्या होगा। तो इसलिए दोस्तों आपको बता दें कि संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने एक आयोग का गठन किया जिसका नाम था एस के धर आयोग। क्या नाम था? धर आयोग भी कहीं कहीं मिलेगा, एस के धर आयोग, एस के धर आयोग। ये आयोग कई बार परीक्षाओं में इससे संबंधित प्रश्न आए हैं, आप इसको ध्यान से देखिए। एस के धर आयोग, यही आयोग था, संविधान सभा के द्वारा गठित किया गया था। और ये राज्यों का निर्माण किस आधार पे हो इसीलिए इसे गठित किया गया था। अब बात आती है, आइए इससे कुछ संबंधित जो फैक्ट्स हैं उसे जान लेते हैं। पहला, इसका गठन कब हुआ, गठन की तारीख आप लोग याद रखिएगा। दूसरा, इसके अध्यक्ष कौन थे। उसके बाद सदस्य संख्या देखते हैं इसकी कितनी थी। सदस्य संख्या देखेंगे, उसके बाद इसने अपनी रिपोर्ट कब दी, रिपोर्ट। तो चलिए देखते हैं दोस्तों। पहली बात, इसका जो गठन हुआ था वह संविधान सभा के द्वारा हुआ था, जैसा कि आप लोग जानते हैं। जून 1948 में हुआ था। कब हुआ था? जून 1948 में इसका गठन हुआ था। इसके अध्यक्ष जो थे वो एस के धर थे, उन्हीं के नाम पे इस आयोग का नाम रखा गया है। और अधिकांश जो आयोग होते हैं उनका जो अध्यक्ष होता है उसी के नाम पे आयोग का नाम भी होता है। एस के धर इसके क्या थे? अध्यक्ष थे। अब एस के धर कौन थे आपको बता दें, इलाहाबाद उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त
न्यायाधीश थे। इलाहाबाद हाई कोर्ट, उसके आगे आप लोग लिख लीजिएगा कि इलाहाबाद हाई कोर्ट के सेवानिवृत्त अर्थात जो थे रिटायर्ड जज थे ये, कौन? एस के धर, उन्हीं की अध्यक्षता में इस आयोग का गठन किया गया था। उसके बाद इसमें सदस्य कुल चार थे, चार सदस्यीय आयोग था, और यह आयोग जो है अपनी रिपोर्ट जो देता है वह 10 दिसंबर 1948 को ही देता है, 10 दिसंबर 1948। इसका कार्य था कि ये किस आधार पर राज्यों का गठन हो उसी बारे में इसको अध्ययन करके अपनी रिपोर्ट देनी थी। तो दोस्तों ये धर आयोग के बारे में कुछ फैक्ट्स हैं, जैसे गठन इसका जो है 1948 में हुआ, अध्यक्ष इसके जो थे वह एस के धर थे जो इलाहाबाद हाई कोर्ट के सेवानिवृत्त जज थे। उसके बाद इसकी सदस्य संख्या जो थी कुल मिलाकर चार थी, चार सदस्यीय आयोग था। उसके बाद इसने अपनी रिपोर्ट 10 दिसंबर 1948 को सौंपी थी। तो आइए देखते हैं इसकी सिफारिशें क्या क्या थी। मुख्य सिफारिशें दो थी, आप इसको ध्यान रखिएगा सिफारिशों की। उसकी सिफारिश पहली जो इसकी सिफारिश थी, इसमें भाषा के आधार पर राज्यों का गठन नहीं होना चाहिए, इसने ऐसा कहा। क्या कहा? भाषा के आधार पर, के आधार पर राज्यों का गठन नहीं होना चाहिए, इसने भाषा के आधार पर राज्यों का गठन करने से मना कर दिया। इस बात को आप लोग याद रखिएगा, बहुत ही इम्पॉर्टेंट सिफारिश थी एस के धर की। कभी कभी परीक्षा में पूछता है कि भाषा के आधार पर राज्यों का गठन करने से मना किया किस आयोग ने, तो आपको उसमें कूट में दे देगा या फिर ऑप्शन में दे देगा, तो आपको याद रखना है। पहला हो गया, आइए दूसरा देखते हैं। दूसरी सिफारिश इसकी क्या थी? दूसरी सिफारिश इसकी यह थी कि भौगोलिक या प्रशासनिक सुविधा के आधार पर राज्यों का गठन होना चाहिए। भौगोलिक और प्रशासनिक सुविधा के आधार पर, भौगोलिक व प्रशासनिक सुविधा के आधार पर राज्यों का गठन होना चाहिए। तो ये थी दो सिफारिशें एस के धर की जो मुख्य रूप से हैं। इन सिफारिशों को आपको याद रखना है। क्या क्या सिफारिशें थी? पहली बात उन्होंने यह कही अपनी रिपोर्ट में कि भाषा के आधार पर राज्यों का गठन नहीं करना चाहिए। उसका एक बड़ा कारण था कि यदि भाषा के आधार पर राज्यों का गठन किया जाएगा तो उससे देश में बहुत सारे भाषा भाषी वाले क्षेत्र हैं, तो उनके आधार पर बहुत सारे राज्यों का निर्माण करना पड़ेगा, पहली बात। और दूसरी बात, इससे राज्य की मतलब देश की एकता और अखंडता पर इस पर इसका प्रभाव पड़ेगा। इसलिए एस के धर ने इसके अध्ययन के बाद इस आयोग ने भाषा के आधार पर राज्यों का गठन करने से बिल्कुल मना कर दिया, साफ इनकार कर दिया कि इस आधार पर राज्यों का गठन नहीं होना चाहिए, मतलब बिल्कुल नहीं होना चाहिए। इसकी दूसरी सिफारिश थी कि यदि आप राज्यों का गठन करना चाहते हैं तो भौगोलिक सुविधा या प्रशासनिक सुविधा के आधार पर आप राज्यों का गठन कर सकते हैं। ये इसकी दो मुख्य सिफारिशें थी। आइए अब हम आगे बढ़ते हैं। तो ये थी जो है एस के धर आयोग से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातें, आप इन सब चीज़ों को ध्यान में रखिएगा। दोस्तों आज़ादी के पश्चात कुल 562 लगभग 562 देशी रियासतें थी, जिनमें से 559 ने भारत में शामिल हो गई, मतलब अपना विलय कर दिया। 562 में से 559 जो देशी रियासतें थी वे अपना क्या कर दी, भारत में विलय कर दी। लेकिन तीन देशी रियासतें अपना अलग अस्तित्व बनाई रखी। तीन ऐसी देशी रियासतें थी जो अपना अलग अस्तित्व बनाई रखी, जो भारत के लिए एक अनुचित बात थी। तब क्या हुआ कि भारत के जो लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, उन्होंने अपने अथक प्रयास से इन देशी रियासतों को भारत में शामिल किया। तो दोस्तों आइए उन तीन रियासतों के बारे में जानते हैं जो वल्लभ भाई पटेल के अथक प्रयास से भारत में शामिल हुई थी, जो अपना अलग अस्तित्व बनाए रखना चाहती थी, लेकिन बाद में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने
उन्हें भारत में शामिल किया। तो पहली देसी रियासत जो थी वह जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर की कहानी आप लोग ज़रूर सुने होंगे, जम्मू और कश्मीर ये भी एक स्वतंत्र रियासत थी। आज़ादी के बाद भारत जब स्वतंत्र हो गया तो इसने अपना अलग अस्तित्व रखने का निर्णय किया। दोस्तों आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर के जो राजा थे वे उनका नाम था राजा हरि सिंह। आप लोग जानते होंगे, कहानी इसकी सुने होंगे। तो दोस्तों आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर अपना एक अलग अस्तित्व बनाए रखा था और भारत और पाकिस्तान का विभाजन भी हो चुका था। लेकिन इसके सामने एक समस्या आई। क्या समस्या आई कि जम्मू और कश्मीर के राजा जो हरि सिंह थे, जिन्होंने आज़ादी के बाद भी जम्मू कश्मीर रियासत को स्वतंत्र रखा, 1947 में पाकिस्तानी सेना जो है कबायली के भेंस में जम्मू कश्मीर पर आक्रमण कर देती है। किस पर? जम्मू कश्मीर पर आक्रमण कर देती है कबायली भेंस में। कौन? पाकिस्तानी सेना। और कब? 1947 में। तब राजा हरि सिंह डर गए और जम्मू कश्मीर पर आक्रमण कर दिया जब उन्होंने, तो राजा हरि सिंह क्या हुए, बहुत डर गए। और जिससे बचने के लिए राजा हरि सिंह क्या किए, भारत से मदद मांगने के लिए भारत आए। तब बाद में एक समझौता हुआ, फिर 26 अक्टूबर 1947, ये चीज़ आप लोग याद रखिएगा, 26 अक्टूबर 1947 को राजा हरि सिंह विलय पत्र पर, इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पर हस्ताक्षर कर भारत में शामिल हो जाते हैं। क्या कर देते हैं? इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन, जिसे विलय पत्र कहा जाता है, उसमें 26 अक्टूबर 1947 को हस्ताक्षर कर देते हैं, वह भारत में शामिल हो जाते हैं। दोस्तों ये थी जम्मू कश्मीर की कहानी, जिसका हम लोग एक छोटा सा परिचय किए। हालांकि ये कहानी बहुत लंबी है, यदि इसके बारे में विधिवत चर्चा करना पड़े तो एक विधिवत इस पर अच्छी सी क्लास हो जाएगी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इतना आप लोग समझिए कि 26 अक्टूबर 1947 को राजा हरि सिंह विलय पत्र पर, इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पर साइन किए थे, और वहाँ के राजा कौन थे? हरि सिंह थे। और ये तिथि आप लोग याद रखिएगा। क्यों किए थे? क्योंकि कश्मीर पर आक्रमण कर दिए थे पाकिस्तान कबायली भेस में, इसीलिए उन्होंने ऐसा किया था। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। दूसरी देसी रियासत है उसका नाम है जूनागढ़। जूनागढ़ के बारे में आप लोग थोड़ा बहुत सुने होंगे। जूनागढ़ भी एक ऐसी देसी रियासत थी जो अपना स्वतंत्र अस्तित्व रखना चाहती थी, लेकिन ये भारत के लिए अनुचित था। इसलिए जूनागढ़ का जो शासक था वो मुस्लिम था। दोस्तों आइए इसकी थोड़ी सी कहानी समझते हैं। जूनागढ़ का जो शासक था वो क्या था? एक मुस्लिम शासक था। लेकिन वहाँ पे जो निवास करने वाली जनता थी जूनागढ़ की, वो अधिकांश जनता क्या थी? हिंदू थी। जिसके कारण वह जो मुस्लिम शासक था वो पाकिस्तान चला जाता है बाद में। फिर क्या होता है कि जूनागढ़ की जनता जो है भारत में शामिल होने का दावा करती है या मांग करती है। उसके बाद भारत ने वहाँ पे क्या किया, जनमत संग्रह करवाया। और जनमत संग्रह के करवा कर फरवरी 1948 में इसे भारत में विलय कर दिया गया। फरवरी 1948 में, तो जनमत संग्रह के आधार पर। आप लोग ये सब बातें नोट करते रहिएगा। तो क्या हुआ, फरवरी 1948 में जनमत संग्रह के आधार पर जूनागढ़ को भारत में शामिल कर लिया गया। ये था दूसरी देसी रियासत। आइए अब हम तीसरी देसी रियासत के बारे में समझते हैं। तीसरी देसी रियासत थी जिसका नाम है हैदराबाद। हैदराबाद के निज़ाम के बारे में आप लोग सुने होंगे, आइए इसके बारे में देखते हैं। दोस्तों आपको बता दें कि हैदराबाद का जो शासक निजाम था वो भी इसको स्वतंत्र अस्तित्व रखना चाहता था, अपने क्षेत्र का, अपने राज्य का, अपने प्रांत का। लेकिन भारत नहीं चाहता था कि हैदराबाद जो है स्वतंत्र रहे, क्योंकि आप सोचिए जम्मू कश्मीर से लेकर के उसके बाद कन्याकुमारी तक भारत एक भारत देश है, और बीच में कोई दूसरा देश आकर स्वतंत्र अस्तित्व बनाए रखे, ये किसी भी देश के लिए उचित नहीं है। यही कारण था कि सरदार वल्लभ भाई पटेल और देश के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू सभी चाहते थे कि हैदराबाद का किसी न किसी रूप में विलय होना आवश्यक है। लेकिन हैदराबाद का जो निज़ाम था वो मान नहीं रहा था, वो मना कर दिया
शामिल होने से भारत में। तो सरदार पटेल जो थे निजाम के पास जाते हैं, बातचीत करते हैं, बातचीत के बाद भी बात नहीं बनती। तब जो हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल थे उन्होंने निजाम से एक बात कही कि यदि आप खुद खुदकुशी करना चाहते हैं तो आपको कौन रोक सकता है। इतनी बात कहकर वो वहाँ से वापस चले आए थे। उसके बाद दोस्तों सैनिक जो थे हमारे चढ़ाई कर दिए। उसके बाद दो तीन दिन तक इस पर काफ़ी जो है सैन्य कार्रवाई हुई और लास्ट में जो है हैदराबाद का भारत में विलय हो जाता है नवंबर 1948 में। तिथि आप लोग याद रखिएगा, नवंबर 1948 में इसका विलय हो जाता है। नवंबर 1948 में जो है हैदराबाद का क्या हो जाता है, भारत में विलय हो जाता है। तो ये थे तीन ऐसे राज्य या स्वतंत्र देशी रियासत थी जिनको भारत में शामिल करने के लिए बहुत समस्याओं का सामना करना पड़ा। उसके बाद ये तीनों शामिल हुए। तब वर्तमान समय में जो भारत का हमारा मैप या नक्शा जो मानचित्र दिखता है वो वास्तव में बहुत ही संघर्ष के बाद ये नक्शा, ये मैप, ये मानचित्र हमारे सामने आया है। तो दोस्तों तो इस तरह से सरदार वल्लभ भाई पटेल की जो भूमिका रही है राज्यों के गठन में वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। वो हमेशा उनको इसी कामों की वजह से उन्हें हमेशा याद किया जाता है। उनके कार्य, उनके विचार हमेशा के लिए अमर हैं। वे हमारे आपके हमेशा दिल में रहते हैं। वे सच्चे देशभक्त व्यक्ति थे। दोस्तों इस तरह से आप लोग सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती पर या फिर हमेशा उन्हें आप लोग याद करते रहिएगा, क्योंकि ऐसे नेता बहुत कम मिलते हैं। चलिए आइए आगे बढ़ते हैं। अगली जो समिति है उसके बारे में अध्ययन करते हैं। अगली जो समिति है उसका नाम है JVP समिति। आप लोगों ने इसका नाम सुना होगा, JVP समिति या कमेटी आप कह सकते हैं, JVP समिति। ये एक समिति थी। दोस्तों आपको बता दें कि भाषा के आधार पर राज्यों की मांग पूरे देश में लगभग हर जगह पे हो रही थी। जब एसके धर आयोग का गठन किया गया उसके बाद भी राज्यों का जो है भाषा के आधार पर गठन की मांग होती रही। उसके बाद क्या होता है दोस्तों आपको बता दें कि JVP समिति बनाई जाती है। इसका गठन कब किया जाता है, पहले गठन आप लोग देखिए, इसका गठन, ये सब फैक्ट्स आप लोग याद करते चलिएगा। गठन, सदस्य कितने थे, उसके बाद नाम सदस्यों के, उसके बाद रिपोर्ट कब दी, रिपोर्ट चलिए देखते हैं। आपको बता दें दोस्तों इसका जो गठन हुआ था वह दिसंबर 1948 में हुआ था। कब हुआ था, दिसंबर 1948 में हुआ था। एक बात आपको और बता दें, इसका जो गठन किया गया था वो कांग्रेस की कार्य समिति ने किया था। कौन किया था, कांग्रेस की कार्य समिति ने इसका गठन किया था कि राज्यों का निर्माण किस आधार पर हो। तो इसी जांच के लिए, इसी अध्ययन के लिए इस समिति का गठन किया गया था जिसका नाम है JVP समिति। तो दोस्तों इसका एक और नाम है आप लोग याद रखिएगा, भाषाई प्रांत समिति। इसे भाषाई प्रांत समिति भी कहते हैं, इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा, भाषाई प्रांत समिति। तो इसका गठन जो होता है दिसंबर 1948 में होता है, ये आप लोग जान गए। इसके तीन सदस्य थे, ठीक, तीन सदस्य कौन थे, जो ऊपर ये जे लिखा है, भी लिखा है, पी लिखा है। इन तीनों सदस्यों के पहले पहले वर्ड, मतलब पहला वर्ड नाम का पहला वर्ड है। जैसे जे से हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू, पंडित नेहरू हो गए। उसके बाद दूसरे जो थे दोस्तों वे थे वल्लभ भाई पटेल। कौन थे, वल्लभ भाई पटेल, भी से वल्लभ हो जाएगा, वल्लभ भाई पटेल। उसके बाद जो तीसरे सदस्य थे पी से, वो पट्टाभी सीतारमैया थे। कौन थे, पट्टाभी सीतारमैया, संविधान सभा के एक सदस्य थे आप लोग जानते हैं, सीतारमैया, सीतारमैया आप लोग आगे कर लीजिएगा पूरा। पंडित जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल और पट्टाभी सीतारमैया, ये तीन सदस्य क्या थे, इस समिति के सदस्य थे। किस समिति के, JVP या भाषाई प्रांत समिति के, जिसे कहते हैं JVP समिति। जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल और पट्टाभी सीतारमैया इसके सदस्य थे। तीन सदस्यीय समिति बनी थी। इसने अपनी रिपोर्ट कब दी, 1 अप्रैल 1949
इस दिन इन्होंने अपनी रिपोर्ट सौंपी थी। तो आप लोग याद रखिएगा कि रिपोर्ट कब सौंपी थी, 1 अप्रैल 1949 को। आइए देखते हैं कि इस रिपोर्ट में क्या लिखा गया था, इस रिपोर्ट की मुख्य बातों को आइए देखते हैं कि क्या इसने अनुशंसा की, अनुशंसा के बारे में देखते हैं। तो ये जो पहली अनुशंसा थी, इस समिति की जो पहली अनुशंसा थी, इस समिति ने भी भाषा के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन के लिए स्पष्ट रूप से मना कर दिया। दोस्तों इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा, आप समझ सकते थे कि भाषा के आधार पर यदि राज्य गठित होते तो देश में कितनी भयावह स्थिति होती। इसी कारण की वजह से जो JVP समिति थी उसने भी भाषा के आधार पर राज्यों का गठन करने से साफ मना कर दिया। भाषा के आधार पर राज्यों का गठन नहीं होना चाहिए। नहीं होना चाहिए अर्थात एसके धर वाली बात इन्होंने भी दोहराई कि एसके धर आयोग की जो पहली सिफारिश और प्रमुख सिफारिश थी उसने भी ये साफ मना किया था कि भाषा के आधार पर किसी भी राज्य का गठन नहीं होना चाहिए। तो यही बात दोहराती है JVP समिति, भाषाई प्रांत समिति की जो अनुशंसा थी वो पहली अनुशंसा यही थी कि भाषा के आधार पर राज्यों का गठन नहीं होना चाहिए। ये इसकी सबसे प्रमुख क्या है, सिफारिश थी। दूसरी क्या थी कि राज्यों का पुनर्गठन प्रशासनिक सुविधा के अनुसार होना चाहिए, प्रशासनिक सुविधा अनुसार होना चाहिए राज्यों का गठन, प्रशासनिक सुविधा के आधार पर राज्यों का गठन होना चाहिए, प्रशासनिक सुविधा के आधार पर राज्यों का गठन होना चाहिए। ये इन्होंने ये अनुशंसा दी। दोस्तों आपको बता दें कि जब यह रिपोर्ट आई JVP समिति का, इसके पहले भारत में भाषा के आधार पर राज्यों के गठन की मांग जो थी वो चल रही थी, बहुत आंदोलन हो रहे थे, उसी दौरान इस समिति का गठन किया गया था। जब इसकी रिपोर्ट आई तो लोगों को लगा कि हो सकता है कि भाषा के आधार पर राज्यों का गठन हो जाए, लेकिन जब रिपोर्ट आई और रिपोर्ट में स्पष्ट रूप से भाषा के आधार पर राज्यों का गठन करने से मना किया गया था तो ये जो आंदोलन थी, ये जो विरोध था, जो मांग थी, ये अत्यधिक तीव्र हो गई, बहुत ही तेज हो गई और एक बड़े आंदोलन का रूप लेने लगी और अब यह एक भयंकर रूप लेने लगी थी। इसका बड़ा विरोध मद्रास राज्य में, जो ऊपरी हिस्से में तेलुगु भाषा के लोग रहते थे, वे अलग राज्य की मांग कर रहे थे और उनका नेतृत्व जो कर रहे थे कांग्रेसी एक नेता थे पोट्टी श्रीरामुल्लु, क्या नाम था, पोट्टी श्रीरामुल्लु, पोट्टी श्रीरामुल्लु रामुल्लु, ये क्या थे, उनका नेतृत्व कर रहे थे, ये भी कांग्रेसी नेता थे और कांग्रेस की सरकार भी थी, लेकिन फिर भी विरोध ये कर रहे थे। क्यों, क्योंकि इनकी भी मांग थी कि जो तेलुगु भाषा के लोग हैं उनके लिए अलग आंध्र प्रदेश राज्य का गठन किया जाए। तो ये लोग बहुत ही बड़े रूप में आंदोलन कर रहे थे पोट्टी श्री रामुल्लु के नेतृत्व में। तो पोट्टी श्री रामुल्लु जो थे वो आमरण अनशन पर बैठ गए, अनशन पर बैठ गए और 56 दिन बाद, दोस्तों आपको बता दें कि जब ये अनशन पर बैठते हैं तो 56 दिन बाद इनकी मृत्यु हो जाती है, 56 दिन बाद मृत्यु हो जाती है, किसकी, पोट्टी श्री रामुल्लु की मृत्यु हो जाती है। रामुल्लु की जब मृत्यु हो जाती है तब नेहरू सरकार को झुकना पड़ता है, नेहरू सरकार मतलब नेहरू उस समय प्रधानमंत्री थे, प्रधानमंत्री कौन थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू, तो नेहरू सरकार को झुकना पड़ता है और तेलुगु भाषा के लोगों को, तेलुगु भाषा के लोगों को, तेलुगु भाषा के लोगों को एक अलग राज्य बनाने की बात की गई और उस राज्य का गठन भी किया गया। 1 अक्टूबर कब किया गया, 1 अक्टूबर 1953 को, 1953 को किसका गठन किया गया, आंध्र प्रदेश का। क्यों, क्योंकि पोट्टी श्री रामुल्लु अनशन के बाद उनकी मृत्यु हो गई थी जिसकी वजह से सरकार ने फैसला लिया कि आंध्र प्रदेश का गठन किया जाएगा और 1 अक्टूबर 1953 को आंध्र प्रदेश का क्या किया गया, गठन किया गया। दोस्तों आंध्र प्रदेश का गठन हो जाता है।
आंध्र प्रदेश भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य है। भाषा के आधार पर पहला राज्य है कौन? आंध्र प्रदेश। आप लोग याद रखिएगा, भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य कौन है? आंध्र प्रदेश है। तो ये पोट्टी श्री रामुल्लु के मरने के बाद और इस देश में पहला जो भाषा के आधार पर राज्य का गठन हुआ उसका नाम है आंध्र प्रदेश। तो कभी कभी प्रश्न पूछता है कि भाषा के आधार पर गठन होने वाला पहला राज्य तो कौन था? आंध्र प्रदेश। उस समय आंध्र प्रदेश की जो राजधानी हुआ करती दोस्तों वो थी कर्नूल। क्या थी? कर्नूल उस समय आंध्र प्रदेश की राजधानी हुआ करती थी। उसके बाद एक और बात बता दें, जो ये आंध्र प्रदेश का गठन हुआ ये 14वां राज्य बना, भारत का 14वां राज्य बना, 14वां स्टेट्स बना। इस चीज़ को आप लोग याद रखिएगा, आंध्र प्रदेश का गठन हो गया, उसकी राजधानी क्या थी उस समय? कर्नूल थी। 14वां राज्य बना किसकी मृत्यु के बाद? पोट्टी श्री रामुल्लू की मृत्यु के बाद। पोट्टी श्री रामुल्लू कौन थे? एक कांग्रेसी नेता थे जो आमरण अनशन पर बैठ जाते हैं, भाषा के आधार पर राज्य के गठन की मांग करते थे तेलुगु भाषा के लोगों के लिए, आंध्र प्रदेश अलग राज्य बनना चाहिए। लेकिन 56 दिन के बाद इनकी मृत्यु हो जाती है। बाद में 1 अक्टूबर 1953 को आंध्र प्रदेश का गठन होता है। तो दोस्तों ये आंध्र प्रदेश के गठन की एक छोटी सी कहानी थी, आप लोग उम्मीद करता हूँ कि समझ गए होंगे। तो दोस्तों ये थी आज की क्लास। आज की क्लास आप लोगों को कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आगे अभी एक समिति और है, उसके बारे में हम लोग देखेंगे, उसके बाद कुछ और चीज़ों को देखेंगे, उसके बाद विभिन्न राज्य जो गठित हुए थे उनके बारे में देखेंगे कि उनका गठन कब हुआ था, कैसे हुआ था, इस चीज़ों के बारे में हम लोग देखेंगे। आज की क्लास ज़्यादा लंबी ना हो उसके लिए क्लास को यहीं मुझे समाप्त करना पड़ रहा है। दोस्तों आज की क्लास कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करें। यदि किसी भी क्लास की आपको PDF की आवश्यकता है तो हमारे टेलीग्राम के चैनल पर आप जाकर बिना स्पेस के दुर्गेश सर्च करेंगे, आपको हमारे टेलीग्राम का चैनल ई लर्निंग दुर्गेश वाला मिल जाएगा। वहाँ पर आप ओपन करके किसी भी क्लास की आप PDF प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों आप लोग इसी के साथ मैं आपसे विदा लेना चाहता हूँ। आप लोग संविधान को खूब पढ़िए और एक बेहतर नागरिक बनिए। तब तक के लिए मैं आपसे अनुमति चाहता हूँ। जय हिंद, जय भारत।